क्लैरिटी नहीं है एक्चुअली, हमारे थॉट्स में क्लैरिटी बहुत जरूरी हुई है। बस तू मैं और मूंगफली के छिलके। रमन जी, मैंने आपकी बहुत सारी मूवीज शॉर्ट फिल्म्स देखी हैं, तो जो एक चीज मुझे दिखाई दी कि आप स्टूडियो में कम और आउटडोर शूटिंग ज्यादा करते हैं। हाँ जी। तो कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि आप बाहर कहीं शूटिंग कर रहे हैं और पुलिस वाले आ गए हों या कोई और अथॉरिटी वाले आ गए हों और उन्होंने आपको परेशान किया हो या आपका चलान किया हो? नहीं नहीं सर, चलान नहीं हुआ। बट ऐसा हुआ है कि एक बार हम लोग शूट कर रहे थे और तो हम लोग विकासपुर में शूट कर रहे थे। उस टाइम पे वो जमाना था जब हम कैमरा लेके बस चले जाते थे, कहते शूट करना उस रोड पे कर लो, पुलिस परमिशन वगैरह क्या लेना होता है ऐसा पता नहीं था। तो अचानक से ना रात को शूट कर रहे थे हम और एक जिप्सी आई पुलिस की, तो पहले हम देखा पुलिस आ रही है, तो हमने कहा हमें डर नहीं था कोई, हम तो लोकल है यहाँ के। तो अचानक से उनमें से एक वो आए पुलिस वाले, वो जो हवल क्या होता है वो कांस्टेबल आए, वो आए, कहते क्या हो रहा है। मैं कहा सर शूट कर रहे हैं, कैमरे वाला बंदूक वाला नहीं शूट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं परमिशन है तुम्हारे पास? मैंने कहा सर इसकी कौन सी परमिशन जी होती है, मतलब देश आजाद है, गली अपनी है, आप परमिशन तो ले रहे हो। तो वो कहते हैं कि नहीं जी अपना परमिशन जी होती है इसकी। तो मैंने कहा नहीं सर परमिशन नहीं है। तो वो उनमें फिर वो इंस्पेक्टर साहब होंगे सर, वो आए उन्हें कहते हैं तू लंगड़ा वाला? मैं कहा नहीं सर। कर बेटा कर शाबाश, बहुत बढ़िया काम करता तू, शाबाश बना। तो एक बार वो हो गया और उसके बाद कहते हैं हम ना यहीं पर घूम रहे हैं, कोई दिक्कत हो बताइयो। एक बार सर मेरे को पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए घर पे आए थे, वो पहचानते थे ऑलरेडी। अच्छा। कि तू लगना है हम वाला है। तो सर एक बार वहां पर सपोर्ट मिल गया कि बढ़िया काम करते ये वो। एक बार बड़ा एक फनी इंसिडेंट है सर, मैं ना बॉम्बे गया जी। तो वहां पर सर मैं अभी वो चेक इन कर रहा था, उसमें क्या कहते हैं बाहर से एंट्री कर रहा था, मैंने कैप पहन रखी थी जी। तो उसने क्या करा सबको एंट्री कर दी, मैंने पासपोर्ट निकाला हुआ था हाथ में, तो वो उसने मेरा पासपोर्ट देखा, मेरी शक्ल देखी, पासपोर्ट देखा, शक्ल देखी, तो कहते तू साइड पे आ जा। तो मेरे को लगा शायद कैप करके नहीं पहचाना होगा, तो इट्स वेरी कूल था कि चलो भाई अपने आप ये दो मिनट वेरीफाई करेंगे सर। फिर वो मेरे को अंदर ले गए, अंदर ले एक रूम के अंदर, वहां पर और सीआरपीएफ वाले जवान बैठे हुए थे जी। तो वहां कहते ये ले भाई आगे तेरा वो हाफ बॉयफ्रेंड। मैंने कहा हाफ बॉयफ्रेंड? मेरे को समझ नहीं आया हमारा हाफ बॉयफ्रेंड क्यों कह रहे हो। तो फिर वो कहते हैं कि ये मेरे को याद है मेरी वीडियो आई थी हाफ बॉयफ्रेंड एक। अच्छा। तो उनको सीआरपीएफ वालों को बड़ी पसंद आई, वो उसमें होता है कि लड़का बड़े दुख से गुजरा था रिलेशनशिप के। तो मैंने कहा अच्छा जवानों को भी दुख है। दुख ये जवानों का ही है लेकिन जवानों को भी है। दिल तो सबके अंदर है ना सर, ये बस कुछ इमोशन सबके अंदर है और इमोशंस कभी ना कभी हर्ट होते भी जरूर है सर। छेड़ना ऐसे तार ये दिल के, तेरा क्या ही चला जाएगा एक बार मिलके। छेद का मैंने लिखा था छोटा सा शायरी कि छेड़ना ऐसे तार ये दिल के, तेरा क्या ही चला जाएगा एक बार मिलके, ज्यादा उम्मीद नहीं है जिंदगी से, बस तू मैं और मूंगफली के छिलके। अरे क्या मांगता है इंसान कि चलो एक अच्छा घर हो, छोटी सी लाइफ हो, तो लेकिन लाइफ छोटी कितनी छोटी है बस वो नहीं कर पाते तालमेल ना, क्योंकि हम लोग उस जनरेशन में हैं जहां पर हम जानते हैं कि अच्छी कंटेंट लाइफ, छोटी लाइफ सबसे अच्छी है, लेकिन हम वो उसको बड़ा करने में वो छोटी भी खराब कर लेते हैं। क्लैरिटी नहीं है एक्चुअली, हमारे थॉट्स में क्लैरिटी बहुत जरूरी हुई है, तो अगर थॉट्स क्लियर हैं तो उसके बाद फिर सारा कुछ लाइफ में इजी और क्लियर हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। कि जो देखो यार मेरे को मान लगता है कि जब इस धरती पे आया तब कुछ नहीं था हाथ में, जब एग्जिट है तब भी कुछ नहीं है, जब दोनों एंड्स पे हमें पता है कुछ नहीं है, तो इन बिटवीन जो मिल रहा है एंजॉय करो यार। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि जो प्रेजेंट मोमेंट है इसको जितना हम एंजॉय करेंगे उतना ही खुशी और सुकून। मैं किसी को अपने पास परमानेंटली नहीं रख सकता, लेकिन जब तक वो मेरे पास रहे कोशिश कर सकता हूँ वो खुश रहे। तो कोई लोग आते हैं लाइफ के अंदर चले जाते हैं, कुछ लाइफ में चीजें आती हैं चले जाती हैं, कई बार आप चीजों को बहुत प्यार करते हो कि यार ये सामान का पूरा ध्यान रखूंगा, नेक्स्ट टूट जाती है। तो जितनी देर कोशिश आपसे हो आप अपनी तरह से बेस्ट हो, अब उसका रहना जाना होना वो सब उस काल पर रख के हाथ है। बिल्कुल ठीक ठीक है ना, वो मतलब ओनू दरिया डूबना की जिदी पीरा बाफड़ी,
जब वो एक बार उसने आपने अपनी बाजू उसको पकड़ा दिया ना, वो जो दुनिया दिखा रहा है चलते जा रहा सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो आई टेक लाइफ दैट वे ओनली, यार ठीक है। अभी कोई लोग आते हैं कई बार, कईयों का मैं प्यार हूँ, लोग कहते हैं यार ऐसा इंसान बनना है, अभी 4 महीने बाद वो इंसान कहता है यार इस इंसान से दूर रहना है। मतलब 4 महीने में मैं कैसे बदल गया, कईयों के लिए मैं दुश्मन हो गया, और बट मेरी हाथ में क्या है। यहां में मैं एक चीज कहूंगा, आजकल एक्चुअली जो माहौल सोसाइटी में बनता जा रहा है, वो जैसे लोगों की जरूरत पूरी हो जाती है ना, तो उनकी सोच बदल जाती है। हाँ सर, तो ठीक है। वो देखो सर, ऐसा है कि आप ना मुसाफिर हो, हम सब मुसाफिर हैं इस धरती पे, परमानेंट कुछ नहीं है। जब मुसाफिर होते हैं ना आप ट्रैवल कर रहे होते हो, तो आप ढाबे पे रुकते हो खाना खाने के लिए, ढाबे पे रहने नहीं रुकते। बिल्कुल बिल्कुल। टेम्पररी खाना खाए चलते बनते आप, तो ऐसी ही जिंदगी सर। मेरे को लगता है कि लोग आते हैं आप ढाबा हो, आप पे खाना खाते चले जाते हैं, प्रॉब्लम आपकी है कि आप सोच लेते हैं कि वो शायद परमानेंटली रहेंगे। तो हम लोग टेम्परेरी हैं सब यहाँ पर। बिल्कुल ठीक। तो जो मिलेगा, इतनी सी बात अगर हम सबको समझ आ जाए तो हमारे सारे दुख परेशानियां कष्ट एक दिन में खत्म हो सकते हैं। हाँ सर, मैं माफ करने में बिलीव करता हूँ कि कई लोग हैं जो नाराज हुए हैं, कई लोग हैं जिनसे मैं नाराज हूँ, बट मैंने बहुत बार माफ कर देख लिया, नहीं तो मैंने ऐसा कर लिया कि आप खुश रहो अपनी लाइफ के अंदर, मैं अपने में खुश हूँ, तो जब मिलेंगे दोबारा इज्जत दूंगा, उस जोन में हूं मैं। और कभी कभार इंसान आई थिंक कि कई बार बहुत ज्यादा टूट जाता है, फिर मैं थोड़ा सा भगवान को शिकायत कर देता हूँ, अब वो सुनता नहीं सुनता उसको पता है, लेकिन हाँ अर्जियां हमने काफी बना के उस पर छोड़ी हुई है। बिल्कुल सुनता है, जब माँ भी वही है बाप भी वही, हम कहते हैं तू ही माता तू ही पिता, तो यूनिवर्स जो है वो बिल्कुल सुनता है, हर पल सुनता है, बस सिर्फ हमें उस लैंग्वेज में उस इमोशंस के साथ उसे कन्वे करना है। यस सर, यू टॉक अबाउट लॉट अबाउट मैनिफेस्टेशन, आप तो बहुत बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ सर हमारी तो बस अर्जी है, बाकी सब तेरी मर्जी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा मैनिफेस्टेशन के ऊपर फेथ है, मतलब फेथ पे मैनिफेस्ट, होप पे नहीं है कि ये होगा ही होगा, फेथ है कि मतलब जो वो कर रहा है वो सही कर रहा होगा। जिसको ये बिलीव सिस्टम समझ आ गया, उसकी जिंदगी में कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रह सकती। सर बिल्कुल नहीं रह सर, मेरे साथ मेरी लाइफ के जो दो बहुत बड़े चैप्टर्स हुए थे, जो मैं हिल गया था, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, बट वो इसलिए हुए क्योंकि शायद मेरा नेक्स्ट बहुत बड़ा स्टेप लेना था, एंड एवरी टाइम रॉन्ग हैज हैपेंड देयर इज समथिंग बेटर ऑन द वे, ये मैं समझ चुका हूँ। मतलब बिल्कुल ठीक है, मैंने जो प्लान किया वो कभी हुआ नहीं, लेकिन जो हो गया ना वो मेरी सोच में भी नहीं था कि यार ये मैं कभी सोच सकता ऐसा कभी होगा। मतलब मैं कहाँ पंजाब के कौन से पिंड में पैदा हुआ, और वो पिंड के अंदर जहां पर हम लोग आज भी लाइट नहीं है, मतलब मैं ऐसी जगह से आया हूँ, वहां से आके आज आप इतने बड़े शख्सियत के साथ बैठ के मेरे मेरे इंटरव्यू हो रहा है, तो आप देखो कि सुकाल पुरख का क्या उसकी सोच है, क्या उसका फ्लेवर है लाइफ का। मतलब आई गो टू सेट्स एट टाइम, और वहां पर जाके आपको यूनिट, आपको 100 लोगों का यूनिट होता है, आपको इतना प्यार देता है, आपको सर कह के बात करता है, आपको रिगार्ड करता है, और कहीं मैं बैक पीछे सोचता हूँ यार मैं कहाँ पिंड से आया हूँ, मतलब जहां पर हम लोग, मतलब आई डोंट टॉक अबाउट दैट लाइफ, लेकिन बहुत डिफिकल्ट लाइफ से हम लोग कहाँ राजों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, लोग मतलब जल जाए, वहां पर मैं रात को चद्दर लेके सोता हूँ कि ठंड लग रही है, मतलब घरों में एसी आ गए हैं, सारी फैसिलिटीज है मेरे पास, तो उसने जहां मुझे रखा हुआ है सर आप समझ में, मतलब ये सब एक फिक्शन है जिंदगी, यार ये कैसे मुझे मिल सकती है। तो जिसने मुझे इतना कुछ दे दिया, यहाँ पर ये सब मिल गया, तो मैं क्या किसी को क्रिप करूं। एक बार जिंदगी में, मैं बड़ा सच्चाई बताता हूँ, ऐसा फेज आया कि किसी ने मेरे साथ बुरा करा, और मेरे को भी एग्रेशन आ गया कि यार मैंने इतना अच्छा कर दिया तुमने मेरा बुरा कर दिया। मेरे मन में था कि यार मैं इस इंसान को ना उधेड़ दूं। इंसान बड़ा गर्म होता है कई बार, तो मैंने कहा यार कि मेरे को बदला लेना है, मैं नहीं माफ करता यार कि तुमने क्या कर दिया मेरे साथ। सो आई हैड सम गुड लिंक्स, गुड फ्रेंड्स, आई ऑलवेज ए गुड फ्रेंड्स, देवर ऑलरेडी कि हाँ भाई यार ये बंदा यहाँ गलत है, इसको यहाँ लीगली फंसाओ, मैंने एक बार वो भी सोचा। विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स आई रियलाइज कि यार मेरी औकात क्या किसी से बदला लेने की। मैंने अकाल पुरख को बोल दिया, मैं बाबा मेरी जो तेनों ठीक लगा कर ली, मत्था टेका, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई मतलब मैं ध्यान से चलूंगा, लेकिन हाँ गलती फिर भी होगी, भरोसे फिर भी होंगे, और सब कुछ होगा ही होगा, जो होना है अकाल पुरख ने सोचा वो लगेगा।
आपकी इस बात से मुझे एक पंजाबी की लाइन याद आ गई कि देण वाले ने सब नु वख वख दिता। हाँ जी, देण वाले ने सब नु वख वख दिता, किसी नु कख दिता, किसी नु लख दिता। असी शुक्र गुजार हां उस मालिक दे कि उन्हें सानू लख दा भी सवा लख दिता। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो हजारों लाखों से उसने हमें अच्छा रखा हुआ है, हर पल हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, सुबह उठते और रात को सोने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे रात को सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते। तो प्रभु की कितनी कृपा है कि हम सुबह उठ के फिर एक जिंदगी, एक नया मौका उसने दिया है कि फिर जिंदगी जियो, फिर तरक्की करो, कामयाब बनो। सर ये है, और उसने जो आपको दिया ना सर, अब देख बात बताओ सर, मैं लंगड़ा शुरू करा, मेरे पास कैमरा नहीं था, मेरे पास माइक्स नहीं थे, लेकिन अकाल पुरख चाहता था मेरा कि तू फिल्म लाइन में जा। सर आप मानोगे, मेरे मैं आपको बड़ी अच्छी स्टोरी बताता हूँ जो रियलिटी में कभी बताई नहीं आज तक। तो मेरे स्कूल में एक सीनियर थी, 4 साल सीनियर थे हमसे, वो हॉकी खेलते थे और मैं भी हॉकी टीम में था, तो मैं बहुत निहायती गंदा प्लेयर था, मतलब मुझे स्कूल वाले लेके जाते थे साथ खेलने के लिए, अब ये तो बर्बाद है प्लेयर। सारी क्वालिटीज आज बता रहे हो अपनी। तो हॉकी खेलने में बहुत ही गंदा प्लेयर था, मतलब कि मेरे लोग पोजीशन के मैं लेफ्ट आउट जिसको छोड़ गए, लेफ्ट आउट खेलता होगा, मैं नहीं मुझे को छोड़ गए, लेफ्ट आउट हूं मैं। तो वो गर्ल्स टीम में थी और सीनियर थे हमारे, और उनको ना मेरे से बहुत रिगार्ड था, मतलब छोटा भाई मानते थे मुझे वो, उन्होंने बहुत भरोसा रखा मेरे पे। तो जब इंजीनियरिंग खत्म हुई मेरी, तो एक बार मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे ऐसे रैंडम मैसेज करा कि मेरा भाई जो है वो भी फोटोग्राफी का बड़ा शौक रखता है, तो तू उसके लिए भी कुछ देख। मेरे पास अपनी लाइफ को देखने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आप देखो कि स्कूल खत्म होने के 5-6 साल बाद मेरा उनसे फिर कॉन्टैक्ट बनना, उनका मुझे मैसेज करना कि मेरा भाई कुछ देख रहा है इस लाइन में, तू भी देख। और भाई के पास कैमरा था और यहां मैं राइटर था, उसे काम शायद नहीं आता होगा, उस टाइम मुझे भी इतना नहीं आता था, मैं फर्स्ट टाइम लिखता था, उसका कैमरा आना और हम दोनों मिलकर कंपनी स्टार्ट करना लंगड़ा। अकाल पुरख ने वो एक बॉन्ड वहां से मेरा जोड़ा, वो भाई आया उसका, आज वो मेरा भाई है, मतलब मेरे जान जिगरा तोड़ा है, मेरा दिल है मेरा, वो बंदा अर्दमन नाम है उसका। तो हम दोनों मिले, तो हमने जाके फाइनली ये बनाया लंगड़ा हम, और हमारे में एक हरमीत थे, उन्होंने बनाया, उन्होंने मतलब सपोर्ट करा हमें थ्रू आउट, दिस इज हाउ कंपनी वाज फॉर्म। तो उन्होंने जो बनवानी है ना उस बाबा ने चीज, यही जो अभी हम बात कर रहे थे बिलीफ सिस्टम की, ये बिलीफ सिस्टम है। आप सिर्फ सोचो, सच्चे मन से सोचो, तो फिर वो शाहरुख खान का डायलॉग याद आ जाएगा, पूरी कायनात लग जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं से कोई रास्ता, कोई जरिया ऐसा जरूर बना देगा कि आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने एक बार, मुझे याद है, किसी को मेरे पास सर बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने ना किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए कह दिया कि यार, मतलब दैट पर्सन वाज डिस्टर्ब्ड, मैंने कहा यार तू छोड़ सब कुछ है, मेरे पास आ काम करने। मतलब वो आज वो लड़का बहुत आगे पहुंच गया करियर में, बहुत अच्छा लेवल का DOP है, और मैं सिंस जब तक उसे परमिशन ना लूँ उसका नाम नहीं लूंगा मैं। तो वो उस टाइम मुझे याद है कि वो मेरे को मिला, मेरे पास आया, कहता भाई मेरे को आपके साथ काम करना है, तो आपको ही काम पे रख लो। तो मैंने कहा यार रखूंगा यार, मेरे पास कोई पैसे नहीं रखने किसी को। तो फिर मैंने एक बार उसको फोन किया, एक छोटा सा काम था उसके लिए एक दिन का, तो मैंने कहा यार तू आ जा। कह रहा पारी मैं नहीं आ रहा, मेरी ना नौकरी लग गई है। मैं नौकरी लगी है तो मैं वहां जा रहा हूँ। मैं कहाँ लगी है? तो कह रहा मॉल में सेल्स बॉय की नौकरी लगी थी, उसकी कपड़े दिखाने मॉल में। मैं कितने पैसे दे रहे हैं? कह रहा 5,000 रुपया उसको मिल रहा था। मैं कहा 6,000 मुझसे लियो, काम पे आ जा। आज सुबह मेरे पास 6,000 नहीं थे देने को, तो मैंने कहा था तू आ जा। मैं मेरे मन में आया कि यार ये लड़का बना ही नहीं उस चीजों के लिए। हाँ ठीक है, घर में सबको पैसे लेके जाना, लेकिन ही वॉज वेरी टैलेंटेड। और आज जो जो लड़का है वो सच में इंटरनेशनल बैठा हुआ है और DOP है, और मतलब वो पैसे भी आना शुरू हो गए, उसकी सैलरी निकलना शुरू हो गई, बाबा ने काम भी देना शुरू कर दिया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। वो सिस्टम बनाता है, बहुत बड़ी प्लानिंग है वो भी। मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगा बिलीफ सिस्टम का। मेरे मन में बड़े अरसे से था कि मुझे अपना पॉडकास्ट इस तरह से शुरू करना है जिसमें मैं अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ के उनके जो लाइफ, उनका जो कैरियर है, उसकी बारीकियां समझें और हम मासिस तक ये चीज पहुंचाएं ताकि लोग उससे सीख सकें, अपनी लाइफ को सुधार सकें। अब आप देखो, ये ख्वाहिश मेरी जब मैं 70+ का हो गया
तब जाके पूरी हुई है, नहीं तो नॉर्मली लोग 50 55 60 के बाद कहते हैं कि बस अब क्या बचा जिंदगी में। यू आर वेरी पॉजिटिव गाय। मैं 70 प्लस पे आके आज मतलब कि अब शुरू किया है और सक्सेसफुली बहुत अच्छा आपका प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का कि आप हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं और इतना प्यार हमें दे रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये प्रोग्राम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, रमन जी का एक्सपीरियंस और कॉलेज से लेके आज तक का सफ़र जो पूरी डिटेल में इन्होंने शेयर किया, उसके बारे में अपने विचार ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। आपके पास भी अगर इसी तरह का कोई खास हुनर स्किल टैलेंट है और आप उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल भेजें, हमारी टीम आपसे जल्दी कॉन्टैक्ट करेगी। लास्ट में मैं दो लाइन कह के रमन जी को कहूँगा कि एक मैसेज हमारे सभी देखने वालों के लिए ज़रूर कहें कि ये दुख ये दर्द जो कुछ तेरे अंदर है, ये दुख ये दर्द जो कुछ भी तेरे अंदर है, एक बार अपना पिंजरा तोड़ कर देख, तू अपने आप में सिकंदर है, तू अपने आप में सिकंदर है। तो रमन जी एक लाइन में आप लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे? सर बहुत परफेक्ट आपने ऑलरेडी मैसेज दे दिया है कि तू अपने आप में सिकंदर है, और मेरे ख्याल से मैं इसको खींच दूंगा और लंबा एलाबोरेट कर सकता हूँ बस, लेकिन इट्स द परफेक्ट मैसेज। मेरा ये कहना है कि मेरी लाइफ कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन सबकी लाइफ स्पेशल है। अगर सबकी लाइफ स्पेशल है तो मेरी स्पेशल है। बहुत चमत्कारी है वो अलमाइटी जो है, यूनिवर्सल पावर जो है। तो आपने दो काम करने हैं जो हमेशा सही रहते हैं, वो ये है कि मेहनत करो, कीप वर्किंग हार्ड एंड हैव द फेथ, डोंट हैव द होप बट हैव द फेथ कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, एंड इस पर चलते रहो। मेरे ख्याल से कोई भी आप रिलीजियस किताब ले लो, सब यही कह रही हैं कि हर चीज़ में उसकी एक सोच है। सो जो हो रहा है होने दो, लेट इट हैपन, जस्ट लव द थिंग्स द वे इट इज़ गोइंग, बिकॉज वी आर हेयर टेम्प्रेरी, हम परमानेंट नहीं आए यहाँ पर, हम सब टेम्प्रेरी यहाँ पर। करते रहो, मेहनत करो, भगवान पर भरोसा रखो, और बड़े सारे किताब लिख के गए हैं बहुत बड़े बड़े महर्षि जो रहे हैं पहले, हर रिलीजन में है वो किताबें, रिलीजियस बुक्स कहते हैं जिनको हम, उनको समझ लो थोड़ा सा। तो वो सब यही कह रही हैं, लेट इट हैपन, लेट इट गो, एन्जॉय द प्रोसेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोसेस एन्जॉय करने का, कि इनको आप फॉलो कर लो तो, और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों में बहुत छोटी सी बात कर जाते हैं ये, जो लाइफ बदल जाती है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं कईयों के लिए ऐसा हूँगा इंसान जो बहुत स्ट्रांग है और कभी जिसके मैं रोया नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों को सारे काम दिए हुए हैं, देखने के, रोने के, सोने के, सब काम दिए हुए हैं। सो देखने के और सोने के काम मैं अकेले करता हूँ, लेकिन रोने का फैक्टर जो कभी हुआ है, आई हैव ऑलवेज बीन, बट ही हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन, माई आइडल, मैं बहुत दिल खोल के इनसे बात कर पाया हूँ। और अगर लाइफ में कुछ नहीं समझ आएगा तो इनको धीरे धीरे आराम से सुनते रहो, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। और अगर फिर भी आंसर नहीं मिल रहा तो द नंबर इज देयर ऑन द पेज, इट इज इट नंबर है आपका, यस, इन्हें फोन करो, बहुत अच्छे इंसान है और ही इज स्टिल यंगर देन अस, अभी 17 उन्होंने एज बताई है, तो वो 17 है करीबन 70 नहीं है वो, और बहुत खुल के बातें करता हूँ मैं इनसे, और ही इज मतलब ही इज अ मेंटर एंड अ फ्रेंड बोथ। सो ये पेज फॉलो करो, लंगड़ा आम तो चलना सीख जाएगा, लंगड़ा जो हमारा आम लंगड़ा है वो चलना ही नहीं की वजह से सीखा है। सो ही इज अ ग्रेट मेंटर एंड वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हैव हिम। थैंक यू सो मच।